नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, हम चैप्टर भी वही पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और हमारे दुनिया भर में एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रही है कोरोना की, जो कि बहुत ही खतरनाक महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली है, चाइना के वुहान प्रोविंस से। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जैसा कि इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है, घर पे रहिए 21 दिन, बाहर मत निकलिए, और अपने हाइजीन को मेंटेन करिए, हाथ धोते रहें, डेली नहाते रहें। तो ये आपसे गुजारिश है मेरी। सो बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही बेकार चीज़ है। मैं यहाँ सिंगापुर में हूँ, सिंगापुर में फिर भी कंट्रोल्ड है, तो फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उस पर ध्यान दीजिए और अपने आप को और सबको सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को। दोस्तों, तो आपका जो हमने जो देखा था अभी तक लास्ट दो चैप्टर्स में, उसको एक बार रीकैप कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लिसिट थ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा। सो एक्सप्लिसिट थ्रो मतलब हमको ज़बरदस्ती थ्रो करना पड़ता है, एक्सप्लिसिट मतलब आगे होके, खुद से आगे होके, और इम्प्लिसिट मतलब अपने आप होती है चीज़ें। तो एक्सप्लिसिट थ्रो में मतलब हम खुद से आगे होके थ्रो करेंगे एक्सेप्शन को, और फिर उसी को हम कैच करेंगे या फिर जावा को अलाउ करेंगे कि उसको कैच करें। तो ये जो है, हम रिकैप करते हैं कि हमारे चार तरीके हैं। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे दो वीडियोस जो कि मैं पहले बना चुका हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग पे, पार्ट वन और पार्ट टू, नहीं देखा है तो प्लीज़ गुजारिश है आपसे कि जाके देखिए और समझिए कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। और सेकेंड वीडियो में मैंने ये बताया है कि जो हमारे दो तरीके आपको ब्लू में दिख रहे होंगे, डिफॉल्ट थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच, एंड डिफॉल्ट थ्रो एंड अवर कैच, ये दोनों कैसे हैंडल होते हैं। तो वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, जो कि मेरे कोर जावा प्लेलिस्ट में है अवेलेबल। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, अगर आप मेरे चैनल में जाके थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। कई बार मेरे को ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि सब प्लेलिस्ट नहीं देख पा रहे हैं सब लोग। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए और पहले दो वीडियो जरूर देखिए, फिर मेरे इस वीडियो पे आइए, थर्ड वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं अवर थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच, एंड अवर थ्रो एंड अवर कैच। अवर थ्रो दोनों लाइन में दिख रहा होगा आपको, अवर थ्रो मतलब एक्सप्लिसिट थ्रो, एक्सप्लिसिट थ्रो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में जब हम चाहें थ्रो करेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन जो है जावा हैंडल नहीं कर पाता है। तो उसके लिए कैसे ये करते हैं, आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं आगे चल के। तो इसमें जब हम एक्सप्लिसिट थ्रो करते हैं, तो हम जब थ्रो करते हैं तो उसके आगे हम लिख देते हैं थ्रोएबल इंस्टेंस, मतलब प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली जब थ्रो करेगा तो वहां पर हमारा कोड लिखा होगा थ्रो और ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर थ्रोएबल इंस्टेंस का की क्लास, जो कि कौन क्या हो सकती है दोस्तों। इधर आपको हाईलाइट किया मैंने रेड में, एक्सेप्शन रेफरेंस क्या होगा थ्रोएबल इंस्टेंस का, शुड बी टाइप ऑफ। अगर आपको मेरा पहले दो वीडियो देखे हैं तो पक्का मालूम होगा आपको ये चीज कि थ्रोएबल इंस्टेंस और थ्रोएबल के अंदर क्या क्या क्लासेस होती हैं। एक बार अगर आप कमेंट सेक्शन पे डाल के मुझे डालेंगे तो मुझे खुशी हो जाएगी कि आपको समझ में आ रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि थ्रोएबल इंस्टेंस, थ्रोएबल क्लास के अंदर, एक्सेप्शन क्लास के अंदर कौन कौन सी रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस हैं। थोड़े बहुत एग्जांपल देंगे तो बहुत खुशी होगी दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें तो। और ये जो है एक इसके थ्रोएबल इंस्टेंस के साथ, थ्रोएबल क्लास जो भी आप बनाएंगे उसके साथ साथ आप एक खुद का मैसेज भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है एक्सप्लिसिट थ्रो। तो आइए इसको देखते हैं हम कोड के थ्रू। मान लीजिए मेरी एक क्लास है एक्सप्लिसिट टेस्ट, मैंने नाम रख दिया इस क्लास का, और उसके अंदर एक बैलेंस करके एक मेरा वेरिएबल है और विड्रॉल बैलेंस एक वेरिएबल है। तो मेरा करंट बैलेंस इज 3000, विड्रॉल बैलेंस इज 6000। तो अगर मेरा विड्रॉल बैलेंस करंट बैलेंस से ज़्यादा है तो मुझे ये एक्सेप्शन आना चाहिए, जो कि अगर नॉर्मल केस में अगर देखा जाए तो जावा को ये समझ में नहीं आता है कि ये एक्सेप्शन है कि नहीं है, क्योंकि उसको ये तो समझ में आता है कि डिवाइडेड बाय जीरो एक एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, या s1.length अगर नल है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। बट इस केस में उसको ये समझ में नहीं आता है। अगर आपके बिजनेस लॉजिक में है कि आपका ATM का जो हमने एग्जांपल लिया था कि उसमें अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस, मेरा विड्रॉल बैलेंस
अगर मैं विड्रॉल जो कर रहा हूँ वो अमाउंट ज़्यादा है बैलेंस से, तो यहाँ मैंने गलती से विड्रॉल बैलेंस लिख दिया, इसको इसको ध्यान मत दीजिए दोस्तों, इट इज़ विड्रॉल अमाउंट। तो विड्रॉल अमाउंट अगर मेरे बैलेंस से ज़्यादा है तो मुझे एक्सेप्शन शो करना चाहिए। आइए ये देखते हैं पहले कि जावा को ये कैसे समझ में नहीं आता कि ये कोई एक्सेप्शन टाइप नहीं है, तो इसके लिए हम एक्सप्रेसिटी थ्रो क्यों करते हैं। तो ये कोड मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर भी मैं करेक्ट कर लेता हूँ, विड्रॉल अमाउंट मान लीजिए ये कोड है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, विड्रॉल बैलेंस इज ग्रेटर देन बैलेंस, तो विड्रॉल अमाउंट कर दिया हमने, तो हमको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ये जो है कोड आपने देखा है, यहाँ पे मैंने सिंपली ये कोड किया है जिसका जिससे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जावा को नहीं समझ में आएगा कि यहाँ कोई एक्सेप्शन अकर हो सकता है। तो ये मैं कोड लिखा है जिसमें बैलेंस लिया है, फिर विड्रॉल अमाउंट लिया है और बैलेंस को बैलेंस माइनस विड्रॉल अमाउंट कर दिया है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए ये पॉजिटिव होता, मान लीजिए पहले लेते हैं इसको पॉजिटिव केस, यहाँ पर 7000 अमाउंट है बैलेंस और ये कंपाइल, ये कोड मैंने लिया है। अभी मैं यहाँ पर इसको ये चीज तो ये कोड कंपाइल हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये कोड कंपाइल हो गया है, मैं जाके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक्सप्लिसिट टेस्ट जो मैंने क्लास कॉपी कर ली वहां से और इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए प्रोग्राम कंटिन्यूज, मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो है कोड ये प्रॉपरली चल गया क्योंकि मेरा विड्रॉल बैलेंस अमाउंट जो है वो अभी बैलेंस से ज़्यादा है नहीं है, तो ये डायरेक्टली इस लाइन पे आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसको मैं 3000 कर देता हूँ और ये मेरा जो कोड है, तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसको रन कर दिया तो ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, बैलेंस इज -3000, विड्रॉल इज मोर, अमाउंट इज मोर एंड प्रोग्राम कंटिन्यूज। मतलब ये हुआ कि इसको कोई एक्सेप्शन नहीं आया इस केस में भी, क्योंकि जावा को ये नहीं समझता है कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन हैंडल होना चाहिए। तो उस कारण से अगर आपने देखा था तो हमारा ये जो कोड है यहाँ पे अगर विड्रॉल बैलेंस विड्रॉल अमाउंट जो है वो बैलेंस से ज़्यादा है तो हम थ्रो करेंगे न्यू एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन को। तो आइए करके देखते हैं दोस्तों, ये मेरा कोड है, अभी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ एक एक्सेप्शन जो कि थ्रो कर रहा हूँ, थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं अपने हिसाब से कुछ मैसेज डाल सकता हूँ कि मेरा बैलेंस ज़्यादा है कम है, तो मैं यहाँ डालूंगा इनसफिशियंट बैलेंस क्योंकि विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा दिखा है आपका, और ये नहीं चलेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मेरे को न्यू करना पड़ेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास को। तो ये जब मैंने कर दिया तो अभी क्या होगा दोस्तों, ये ध्यान से देखिए, अब मैंने यहाँ से थ्रो कर दिया है एक एक्सेप्शन, राइट। तो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है तो क्या होगा, यहाँ पे कैच कौन कर रहा है, कैच जावा कर रहा है क्योंकि हमने कहीं खुद से कैच नहीं लगा रखा है। तो जब विड्रॉल, क्योंकि विड्रॉल अमाउंट बैलेंस से ज़्यादा है तो ये अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर विड्रॉल अमाउंट बैलेंस से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर मैसेज एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम का, क्योंकि हम बैलेंस हमने बाहर डिक्लेयर किया है इसलिए अंदर नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू एक्सेप्शन थ्रो करेंगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम का और उसका मैसेज आएगा इनसफिशियंट बैलेंस। तो जावा ने यहाँ पे डायरेक्टली एक एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को कैच करेगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, ये सब हम हटा देते हैं अभी।
और हम यहाँ पर कंपाइल करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जब हमने थ्रो किया ये एक्सेप्शन तो इसको कैसे जावा ने हैंडल किया। तो ये आइए इसको रन करेंगे प्रोग्राम को और देखेंगे। तो दोस्तों बहुत आराम आराम से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत काम आने वाली हैं आगे जाके, और इसको एक एक चीज़ को समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जा जाके बार बार देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने जावा ने अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया बट मैसेज हमारा था और प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। तो ये हो गया दोस्तों जावा का एक्सेप्शन जो कि जावा ने थ्रो किया है, हमने थ्रो नहीं किया है दोस्तों। तो इसकी जगह दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा कि विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा है बैलेंस से, तो हमारा बिजनेस लॉजिक ये कहता है कि हमको एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करना है, बट जावा को ये खुद को समझ में नहीं आता। तो उसके बाद हम अब ट्राई कैच लगाएंगे जिससे हमको ये क्लियर हो जाए कि हमारा जो एक्सेप्शन है वो जो मैं नेट बंद कर देता हूँ दो मिनट दोस्तों। तो हमारा जो एक्सेप्शन है वो हमको ही कैच करना है, तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम कैसे रन होगा। तो अभी हमारा जैसे ये एक्सेप्शन आया, तो अब इसको ये हमको ध्यान रखना है कि इस एक्सेप्शन को हमको कैसे हैंडल करना है। तो जब ये एक्सेप्शन आ गया है दोस्तों, तो हमको इसको हैंडल करने के लिए जब हमको पता चल जाता है, आपको याद होगा हमारे लेक्चर में हमने आगे पहले भी पढ़ा है कि जब हमको पता है कि जिस लाइन ऑफ कोड में हमको एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो ट्राई और कैच ब्लॉक हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, जिससे हम खुद से कैच कर सकें। अभी आपने देखा था जो इसमें क्या हुआ था, जावा ने कैच किया था, लेकिन हमारा जो इनसफिशिएंट बैलेंस नाम का जो मैसेज है वो प्रिंट हुआ था। अब हम करेंगे हमारा अब हम क्या चेक कर रहे हैं दोस्तों, अब हम चेक कर रहे हैं हमारा थ्रो और हमारा कैच जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। अवर थ्रो अवर डिफॉल्ट कैच हो गया है, अब हमारा है अवर थ्रो एंड अवर कैच। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमारे थ्रो और हमारे कैच में हमको क्या करना है, हमको ट्राई ब्लॉक डालना है। और ट्राई ब्लॉक के बाद हमको इसको कैच करना है जिससे हमारा प्रोग्राम अभी जैसे टर्मिनेट हुआ वैसे टर्मिनेट ना हो। तो यहाँ पर हम कैच लिख देंगे, और कौन सा कैच, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कैच करेंगे, राइट दोस्तों। आई होप यू रिमेम्बर ए ई, और इसके अंदर हम डाल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए डॉट गेट मैसेज। ये लाइन हम शिफ्ट कर लेंगे कैच के बाद। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहां पर अपना ट्राई और कैच डाल दिया है। जब भी ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन थ्रो होगा, क्योंकि मेरा विड्रॉल अमाउंट बैलेंस से ज्यादा है, तो ये मेरा प्रोग्राम बंद नहीं होगा। लेकिन आपको ये याद होगा कि उसके ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी हमने लिखा है उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट सीधे वो कैच के अंदर चली जाएगी, और कैच के अंदर वाली लाइन और उसके बाहर जो फाइनली में या बाहर जो लिखा है वो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो ये मैंने कंपाइल कर लिया, अब मैं जाऊंगा और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मेरे को ये मैसेज आया, कहां से आया, इनसफिशिएंट बैलेंस इस कोड से आया जो कि मैंने यहाँ गेट मैसेज प्रिंट कराया, कि कौन सा मैसेज आ रहा है वहाँ से। अगर मैं इस मैसेज को चेंज करता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए, कि इस मैसेज को देखता हूँ मैं, अब मैं यहाँ डाल देता हूँ बैलेंस कम है भाई, तो ये मैसेज मुझे वहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने गेट मैसेज किया है। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, बैलेंस तो कम ही है ना भाई। तो इसको मैं रन करता हूँ फिर से, इस प्रोग्राम को जस्ट आपको समझाने के लिए फिर से ले रहा हूँ, और मैं जाके जब ये देखता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा आता है दोस्तों, बैलेंस कम है ना भाई, और प्रोग्राम कंटिन्यू रहता है मेरा दोस्तों। तो ये इस तरह से हम अपना खुद का थ्रो लिख सकते हैं और खुद का कैच लिख सकते हैं।
जिससे हम ये समझ में आ जाए कि हमारा प्रोग्राम कैसे कंटिन्यू रहेगा। तो स्पेलिंग स्पेलिंग पे ज़्यादा मत जाइएगा, आप कंसेप्ट पे जाइए और पूरी तरह से ध्यान दीजिए अपने इस पर्टिकुलर चीज़ों पे। चार तरीके, अवर थ्रो, अवर कैच, फिर से दिखा देता हूँ आपको, बार बार सर आपको, आप लोग को बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, बार बार याद दिला रहा हूँ कि चीज़ें ध्यान रखिए। डिफॉल्ट थ्रो, डिफॉल्ट कैच, डिफॉल्ट थ्रो, अवर कैच, ये मैंने सेकेंड वीडियो में बनाया है। अवर थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच, अवर थ्रो एंड अवर कैच, ये चीज़ें हमने अभी इस वीडियो में देखी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा और आपको बहुत विजिलेंट रहना चाहिए इस चीज़ों में कि आप कैसे, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। और इसके ही पार्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमको अपना थ्रो क्यों करना है। तो जैसे आपने अभी समझ लिया होगा कि एक तो आप अपना मैसेज सेट कर सकते हैं अगर आप खुद से थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी हमने किया था इनसफिशिएंट बैलेंस और बैलेंस कम है भाई। और दूसरी चीज़, आप क्योंकि बिजनेस लॉजिक ये एक जावा जैसे हमने देखा कि माइनस करके, कि जावा को नहीं समझ में आता है कि ये कोई एक्सेप्शन कंडीशन है, तो इसलिए हमने इसको थ्रो किया है क्योंकि हमारा बिजनेस लॉजिक चाहता है कि हम उसको उस टाइम एक्सेप्शन थ्रो करें जब हमारा विड्रॉल अमाउंट बैलेंस से ज़्यादा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और ऐसे ही देखते रहिए और चीज़ें समझते रहिए। मैं आगे और इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग को कम्प्लीट कर दूंगा अगले वीडियो में। और भी मैं एक और खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि सॉरी कि मैंने अभी अभी AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो आगे जाके मैं आप लोग को, अगर आप चाहेंगे, अगर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के बोलेंगे कि आप भी अगर ये एग्ज़ाम क्लियर, सर्टिफिकेशन क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ और आपको मदद करूँ, तो हिंदी में पूरे तरह से वो वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको मदद करूँगा। बस आपका साथ चाहिए और आपके कमेंट बॉक्स में आपका मुझे चाहिए कि आपको ये इस बारे में वीडियो चाहिए AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा सर्टिफिकेट, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं बन चुका हूँ कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, AWS सर्टिफाइड अमित गोयल, ये सॉल्यूशन एग्ज़ाम है। अगर आप इस पे, आप भी चाहते हैं इसको करना और मेरी तरफ से कुछ मदद चाहते हैं, कुछ वीडियोस चाहते हैं जिससे मैं आपको गाइड कर सकूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे मैं इस पे पूरी श्रृंखला पे नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कवर करूंगा कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं क्लाउड के, फिर EC2 इंस्टेंसेस क्या क्या होते हैं, S3 क्या होता है, EBS क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बट बी सेफ, बी एट होम, अपना ध्यान रखिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू दोस्तों।